झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के खिलाफ आदिवासी सेंगल अभियान लगातार हमलावर है। आदिवासी सेंगल अभियान लगातार राज्य सरकार पर आदिवासियों को छलने और यहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का आरोप लगाती आ रही है। इसी क्रम में सोमवार को जमशेदपुर के आम बगान से विशाल मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साक्षी आम बगान से निकला ये जुलूस जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय संयोजक सोनाराम सोरेन ने कहा, आज ये मशाल जुलूस जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा देवता या ईश्वर मारंग गुरु जो है, आज झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने जैन धर्मियों को लिख के दिया है, अर्थात ये बेच दिया है, उसको बचाने के लिए ये मशाल जुलूस आज निकाला जा रहा है। और भारत के आदिवासी जो प्राकृतिक पूजा है, उनका सरना धर्म है, ये सरना धर्म जो है मान्यता भारत सरकार नहीं दे रहा है, तो ये जनगणना का कोलम में सरना धर्म कोलम कोड दिया जाए, ये मशाल जुलूस उसके लिए है। और अभी खतियान जोहार यात्रा पे हैं मुख्यमंत्री, तो ये तो आदिवासियों के लिए ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना? ये आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन इसका दिल का धड़कन आदिवासी नहीं है, और इसीलिए मारंगबुरु को ये बेचने का काम किया है और जैन धर्मियों को दिया है। और ये जो खतियानी जोहर यात्रा, ये आदिवासियों को धोखा देने का काम कर रहा है, क्योंकि झारखंड के गवर्नर ने ये 1932 के खतियान को जो है वापस कर दिया है, और झारखंड हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसा में ये यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा कर रहा है, अन्याय कर रहा है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम है हमारा 11 फरवरी 2023 को पूरा भारत में रेल रोड चक्का जाम रहेगा अनिश्चितकालीन के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हलखान मुर्मू के नेतृत्व में आज भारत के 5 राज्य में 50 जिला में ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम जारी है। मैं सोनाराम सोरेन, केंद्रीय संयोजक आदिवासी सेंगल अभियान। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।